big boy. Nice man. Practical to aage. So before starting this video, everybody, say hi to Thiesa. Okay, she's gone now. And this is Snowy eating the grass. It is totally natural, so you don't have to worry agar aapka dog grass khata hai to. So everybody, this is Rangila's home. Rangila, बहुत funny नाम है, but ठीक है, ये actually थोड़ा सा रंगों से भरा हुआ है. And I'm, हाँ, अब खुल गया. Yes. So where is Rangila? Rangila, my boy. अच्छा, Rangila's over there. Okay, you can see his tail actually. Let's see, कहाँ पर है वो? Oh, he's over here. Let me zoom in for you guys. And I know bahut sare log they are asking ki aap isko khane mein kya dete hain, and you know cheeze waise hi. So I'm gonna do a video properly based on his diet. Aur kahan ghusa hua hai ye? Actually, he's so thin. Ball python, so he is quite broad. वो मोटा भी है. He is very thin, man. But he is. I love him more, I can say. Let me focus. So you can see, हिसने अभी थोड़े दिन पहले ही shed किया था. He is actually doing very good. Touch wood. And yeah, you can see his color, his beautiful color. He is very beautiful. He is very docile also. अगर आप किसी बच्चे के हाथ में भी दे देंगे या किसी immature handler के हाथ में भी दे देंगे, तो भी ये बहुत अच्छे से रहेगा. अभी he is in a little hurry. और मैं ज़्यादा time इसको बाहर भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि as you know, दिल्ली की सर्दी बहुत ज़्यादा बुरी हुई हुई है इस समय. Hey. Okay. Ta. He's very cool. He's very cool. He's very docile. मैं बहुत जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ इसकी पूरी डाइट के ऊपर. मैं इसको कैसे रख रहा हूँ, क्या सप्लीमेंट्स मैं इसको दे रहा हूँ, और यू नो एवरीथिंग. जितना भी केयर है, जो भी प्राइस है. एंड स्नो इज बार्किंग राइट नाउ, क्योंकि वो सीजन में बालकनी और उसने कोई डॉग ही देख लिया है. एंड शी इज बार्किंग. By the way, this is not his personal house. I mean, this is not his permanent house. मैं इसका बहुत बड़ा एक सेटअप बनाने वाला हूँ. अभी थोड़ा सर्दियों के बाद, एक बार सर्दियाँ गुजर जाएँ और ये थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद आई एम गोना डू दैट. एंड या व्हाई इजंट ही गोइंग इनसाइड, आई डोंट रियली नो. हियर गोज द ब्यूटीफुल स्नेक. बाय द वे, जहाँ तक कि आई थिंक ही इज मेल. अब And here is Simba after basking, obviously. I don't really want to talk about Olive, पर हाँ, Olive से ये सीख चुका है how to bask, क्योंकि इन ये दोनों, you know, इन दोनों को आदत थी. ये लोग
दिन में बैठ जाते थे ऐसे सुबह के टाइम धूप के नीचे, और इसके साथ फिर यू नो ऑलिव के साथ, ऑलिव को फॉलो बहुत करता था ये. दिस इज द टाइनीस्ट मेंबर ऑफ माई हाउस, सबसे छोटा सा बच्चा मेरे घर का. आई विल शो यू, ही इज स्लीपिंग राइट नाउ. He is actually sleeping. Okay. He scared me, bro. Okay. Here he is. He's a Syrian hamster, baby Syrian hamster. Okay. He slept again. Are? He's so cute. He is very cute. He is very small also. He's tiny. He is really tiny. He is watching my hand right now. उसको लग रहा है व्हाट द हेल एम आई डूइंग. सो फाइनली गाइस आई हैव अ हैमस्टर, दीज आर कॉल्ड साइरन हैमस्टर्स. इसने अपने मुंह के सामने से वो बेडिंग हटाई है. ऑल्दो ये पूरे केज में ही थी इसकी बेडिंग, पर इसने सारा सब कुछ उठा उठा के मेड अ वॉल्केनिक टाइप ऑफ इरप्शन. सो लेट्स टॉक अबाउट देयर इकोलॉजी. बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं इनके बारे में जानने के लिए, एंड ऑब्वियसली कार्टून्स में दे आर नोन टू बी यू नो वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम. तो इस वजह से हैमस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली हुई है. पर ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं पालने के लिए, और यही रीज़न है आप इनको नॉर्मली नहीं देख पाएंगे किसी भी पेट शॉप्स में, या फिर नॉर्मली आपको ये नहीं दिखेंगे. आपको काफ़ी सर्च करना पड़ता है इनको अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो, एंड दे कम क्वाइट कॉस्टली ऑल्सो. तो इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो होता है 3 से 4 साल, 3 से 3.5 साल आई वुड से. ये ज़्यादा नहीं जीते हैं, ये कम ही जीते हैं. एंड देयर प्रेगनेंसी पीरियड इज़ क्वाइट स्मॉल, एज इन ये 20 से 25 दिन में बच्चे दे सकते हैं, 20 दिन के अराउंड बच्चे दे सकते हैं, नॉट 25 दिन. तो आप देख सकते हैं कि ये ब्रीडिंग बहुत जल्दी कर सकते हैं. आई जस्ट हैव वन. काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि मैंने फीमेल नहीं रखी है इसके साथ, या फिर इसका एज एन मेट नहीं रखा है, फ्रेंड नहीं है. फॉर दोज मैं इसके साथ कोई और नहीं रख सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं. आई नो समवन जिनके पास एक पेयर है एंड दे आर कीपिंग देम टुगेदर, और उन्होंने लड़ के एक दूसरे की आँखें फोड़ दी हैं. आई एम नॉट इवन किडिंग राइट नाउ. और ये ऐसा करते हैं एक्चुअली में. कहाँ जा रहा है? एंड दिस इज इज एनक्लोजर. मैं बहुत ज्यादा ढूंढ कर लेकर आया था ये. जिस दिन ऑलिव की डेथ हुई थी उसी दिन ये मेरे घर पर आया था. आई वॉज थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ वीडियो पर ऑलिव की, काफ़ी टेंशन थी पर यू नो, तो इस वजह से आई कुडंट मेक एनी. सो दिस इज हिज वाटर बॉटल. ये दिस इज कनेक्टेड अंदर से, ही कैन ड्रिंक वाटर इसमें से, और दिस इज अ लिटिल ट्यूब फॉर हिम. यू नो दे लाइक टू एक्सप्लोर, और इनको घुसने में मज़ा आता है. तो ये यहाँ से ऐसे घुस कर ऐसे ऊपर प्लेटफॉर्म पे आ जाता है. उसके बाद एक ब्रिज है, ये ब्रिज से होकर ही कैन गो टू दिस स्मॉल लिटिल हाउस. दिस इज़ वेरी क्यूट. ये मेरे पास बहुत सारे हाउसेज हैं, एज यू गाइस नो, शुगर ग्लाइडर्स के केज में भी है, एंड दैट इज़ हिज व्हील. हैमस्टर्स को भागना बहुत पसंद होता है, तो दैट्स व्हाई द व्हील इज़ देयर. पर आज तक मैंने नहीं देखा है इसको इस पर, एज इन ये चढ़ने की कोशिश करता है इस पर, पर कभी भागते हुए तो कभी नहीं देखा है मैंने इसको. जस्ट सम थिंग्स जिसमें ये घुस सके, क्योंकि इसको पसंद है सम ऑफ हिज फूड डिशेस. एंड हियर ही इज एकदम छोटा सा चना. दैट्स व्हाट माय डैड कॉल्स हिम.